सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के अंदर आने वाले न्यू M1887 के बारे में। आखिर वो M1887 कैसे आपको मिलेगा, कब तक इंडियन सर्वर पे आएगा, इसी के साथ बात करने वाले उसकी एबिलिटी के ऊपर। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करने वाले फ्री फायर के अंदर जो न्यू एलियन पेट आने वाला था, आखिर वो एलियन पेट आप लोगों को कब देखने के लिए मिलेगा, एलियन पेट का एबिलिटी क्या होने वाला है, इसके साथ बात करने वाले उसका कौन कौन सा स्किन आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। और भी यहाँ पे बात करने वाले फ्री फायर के अंदर आप लोगों को बहुत जल्द एक इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को फ्री मैजिक क्यूब देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है। तो इस कुल मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें फ्री फायर से रिलेटेड हर एक इवेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स की वीडियो लाता रहता। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो, ये रहा हमारा न्यू मोनी पेट का फेडेड व्हील इवेंट। अब गाइस आप लोगों को यहाँ से कैसे निकालना है, तो आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, दो चीज़ों को कट करके स्पिन करना है, तो आपको ये वाला पेट मिल जाएगा। तो गाइस अभी बात करते हैं कि और आप लोगों को इस इवेंट के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो, ये रहा एक न्यू ओपी वाला स्किन, जो कि आप लोगों को इस मोनी पेट का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा। जब ये इवेंट आएगा तो ये वाला स्किन भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें अगर इमोट की, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन को हाथ से निकाल के टोपी के अंदर डाला, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैजिक की तरह यहाँ पे फ़ोन को निकाल लिया। तो गाइस ये वाला इमोट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी बात है। सिंपली यहाँ से आप लोग दो चीज़ों को रिमूव करेंगे, उसके बाद गाइस यहाँ पे स्पिन करने के लिए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है, अगर आपके पास 9 डायमंड भी होगा और अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ, तो गाइस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9 डायमंड पर ये वाला पेट मिल सकता है। बाकी गाइस यहाँ पे कई बार एकदम 1000 डायमंड के आसपास भी लग जाता है। तो गाइस ये हो चुका है हमारा एक स्किन। चलिए अभी बात करते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इमोट दिखा देता हूँ, उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं इसकी एबिलिटी की। तो गाइस ये हो चुका है इसका पहला इमोट, जो यहाँ पे फोन को यहाँ पे हवा में उछल के फिर कैच करना। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा दूसरा वाला इमोट, और ये दोनों इमोट ही आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं न्यू स्किन के बारे में। तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा एक और मोनी पेट का ओपी वाला स्किन, जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है जब ये पेट आ जाएगा। तो गाइस जब अब इस पेट को आप लोग लेवल अप करोगे, जैसे ये लेवल 7 पे चला जाएगा, तो गाइस आप लोगों को ये वाला स्किन मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करें अगर इसकी एबिलिटी की, तो गाइस एबिलिटी यहाँ पे देख सकते हो 20% डैमेज रिडक्शन व्हेन ओनर इज इंटरेक्शन विद काउंटडाउन यूजिंग मैट किट्स एंड रिपेयरिंग किट्स। यानी गाइस जब आप डैमेज होंगे और जब आप मैट किट यूज़ कर रहे होंगे, मैट किट यूज़ करते समय अगर आपको कोई भी डैमेज दे देते, तो गाइस वहाँ पे 20% डैमेज घट जाएगा। मतलब किसी ने अगर ड्रैगन ऑफ से आपको 100 का डैमेज दिया, तो आपको यहाँ पे 80 का डैमेज आएगा। बाकी गाइस जब आप इस पेट को लेवल 7 तक ले जाओगे, तो गाइस क्या होगा, 35% तक डैमेज कम हो जाएगा। यानी गाइस मतलब आपके अगर कोई भी 100 का डैमेज देता है, तो वहाँ पे गाइस सिर्फ और सिर्फ 65 का डैमेज आने वाला है आपको, जो कि काफ़ी ओपी होने वाला है। तो गाइस ये हो चुका है हमारा पेट का स्किल। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि और आप लोगों को कौन कौन स्किन देखने के लिए मिल सकते हैं इस पेट के बारे में। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा इस सेम पेट का एक और स्पिन एंड विंड वाला इवेंट, ये भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक इवेंट हमारे सर्वर पे भी आ जाएगा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये रहा एक और ओपी वाला स्किन, जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है इस इवेंट के अंदर जब ये इवेंट आएगा। तो गाइस इन तीनों में से सबसे बढ़िया और सबसे ओपी वाला स्किन आप लोगों को कौन सा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की। नेक्स्ट में गाइस हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों को फ्री मैजिक क्यूब मिलने वाला था, आखिर वो कैसे मिलने वाला था। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू फ्री मैजिक क्यूब वाला इवेंट। और गाइस ये फिलहाल रमजान इवेंट की तरह ही एक इवेंट आने वाला है, जब आपको ये वाला इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को फ्री में मैजिक क्यूब क्लेम करने का जगह दिया जाएगा। बाकी गाइस बात करें अगर इसकी डेट की, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे पीक डे है 5/15, यानी गाइस मई महीने के 15 तारीख को आपको ये वाला इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को फ्री में मैजिक क्यूब क्लेम करने का जगह दिया जाएगा। तो गाइस अगर आप कैसे क्लेम करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा मैजिक क्यूब क्लेम करने का ऑप्शन। अब गाइस यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है, आपको सिंपली उस टास्क को कंप्लीट करना है। टास्क क्या है गाइस यहाँ पे देख सकते हो, प्ले 30 मिनट, यानी गाइस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक गेम खेलना है, तो आपको ये मैजिक क्यूब बिल्कुल फ्री में यहाँ से क्लेम करने का जगह दिया जाएगा। बाकी गाइस इवेंट अभी देख सकते हो नॉट स्टार्टेड है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन गाइस ये बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तो गाइस आपको क्या होगा, आपको सिर्फ एक उस दिन 30 मिनट तक गेम खेलना है, और यहाँ पे आना है, आने के बाद यहाँ पे मैजिक क्यूब को क्लेम कर लेना। और गाइस मैजिक क्यूब के अंदर आप लोगों को बहुत जल्द अल्टिक ब्लू बंडल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस अभी आप लोग मैजिक क्यूब वेस्ट मत करो। तो गाइस ये तो हो चुका है हमारा मैजिक क्यूब वाला इवेंट। यहाँ पे देख लेते कि और हम लोगों को क्या क्या चीज़ फ्री में यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है।
सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को न्यू इनक्यूबेटर का वाउचर मिलने वाला है, न्यू वेपन वाल वाउचर मिलने वाला है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ बुईया करना होगा। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो ये रहा लॉगिन रिवॉर्ड, एक दिन लॉगिन करोगे तो गाइस आपको ये यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस मिलेगा। उसके बाद गाइस आपको डायमंड वाल वाउचर मिलने वाला है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये रहा एक और न्यू ओपी वाला ग्रेनेड का स्किन जो कि आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा इस इवेंट के अंदर। ये सारा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में क्लेम करने का जगह दिया जाएगा। तो गाइस अभी बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो न्यू M1887 आया है, आखिर वो M1887 अच्छा है या फिर बुरा? सो गाइस यहाँ से हम लोग सिंपली चलेंगे हमारे इवेंट के पेज पे। जैसे यहाँ पे व्हील सेक्शन में आता हो तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा हमारा न्यू M1887 का ओपी वाला स्किन जो कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ स्पिन करते ही यहाँ से आप निकाल पाओगे। तो बस यहाँ पे आप लोगों को मैं समझा देता हूँ आखिर आपको ये निकालना कैसे। तो बस इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे स्पिन करना है, लेकिन गैस उससे पहले हम लोग लुक एक बार देख लेते हैं। लुक देखने के बाद गैस हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। गैस अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो गैस आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप लोग को ये M1887 मिलेगा कैसे। तो गैस लुक की अगर बात करें, लुक काफ़ी ज़्यादा ओपी है और जब आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो गैस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ओपी इसका लुक होने वाला है। तो गैस यहाँ पे अभी बात करते हैं कि आखिर इसकी एबिलिटी क्या है। तो चलिए आप इसकी एबिलिटी भी देख लेते हैं। सो गाइस इसकी एबिलिटी जानने के लिए सिंपली हम लोग गन के ऊपर टैप करेंगे। जैसे ही गन के ऊपर टैप किया तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा इसकी एबिलिटी, सिंगल डैमेज, डबल रीलोड स्पीड और यहाँ पे मूवमेंट स्पीड को माइनस किया गया है। अब गाइस बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था कि एक ऐसा स्किन आ जाए इस M1887 का जिसके अंदर डबल रीलोड स्पीड हो, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाला है। अब गाइस इसका यहाँ पे डैमेज हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके मूवमेंट थोड़ा सा भी यहाँ पे ज़्यादा है तो गाइस इसका रिलोड स्पीड डबल, मतलब एकदम तुरंत रिलोड हो जाएगा, मतलब एकदम एक सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा अब ये गन रिलोड होने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी बात यह होने वाला। अब गाइस इस ये वाला स्किन जिसके पास होगा वो मतलब समझ लो कि गेम का राजा होने वाला है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे आप लोग को और कौन कौन सा प्राइस देखने के लिए मिलेगा और आखिर आप इस गन को कैसे क्लेम करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा प्राइस देखने के लिए मिल रहा होगा। एक न्यू ओपी वाला बैकपैक भी देखने के लिए मिल रहा होगा जो बहुत पहले B2 का यूज़ करता था, वही वाला बैकपैक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और भी छोटा मोटा यहाँ पे इमोट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ये सारा चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब एकदम स्पिन करोगे तो गाइस आप लोगों को ये मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये गोल वाला जो टोकन आप देख रहे हो, ये गोल वाला टोकन इसको ही आपको कलेक्ट करना है। अगर आप इसको कलेक्ट करोगे तभी आप M1887 को यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। तो गाइस अभी समझा देते हैं कि आखिर आपको कैसे क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए गाइस आपको स्पिन करना है, एक बार स्पिन करोगे तो गाइस आपको 19 डायमंड लगेगा और 7 बार करोगे तो 5 बार करोगे तो गाइस आपको 79 डायमंड लगेगा। तो गाइस अभी आपको क्या करना होगा, ये सारा स्पिन करना है, उसके बाद ये टोकन को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके आपको एक्सचेंज करके गन को यहाँ पे एक मतलब क्लेम कर लेना है। सो गाइस बात करें अगर ये M1887 आप लोगों को इंडियन सर्वर में कब देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस यहाँ पे 1 वीक के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है हमारे सर्वर पे न्यू M1887 का स्किन। तो गाइस यही था आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।